राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल ने R9 टीवी से खास बातचीत की है और सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है। इस वक्त हमारे साथ कामेश्वर चौपाल जी मौजूद हैं, जिन्होंने 1989 में राम जन्म मूवी मंदिर की जो पहली ईंट थी वो रखी थी और अब वो ट्रस्टी बन चुके हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। तो लंबा जो सफर है वो खत्म हुआ है, आप ट्रस्टी बने हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो लगा है कि मेरा सपना मेरे ही आंखों के सामने साकार होते दिखता है और इस राम जन्मभूमि संघर्ष में लाखों लोगों ने अपना श्रम भी दिया, शक्ति भी दिया, सामर्थ्य भी लगाया और वो आज मौजूद भी हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो हमारे साथ, उनके आत्मबद स्वरूप हम उनको देखते हैं। तो ये सारा सपना जो संघर्ष शुरू हुआ वो पूरा हो गया और उसमें मैं प्रत्यक्ष हूँ अभी, तो मुझे ज्यादा ज्यादा पसंद है। आप कार सेवक से कैसे जुड़े और क्या अनुभव आपका रहा? देखिए, मैं प्रारंभ में बचपन काल से ही जुड़ा हुआ हूँ संघ से और मेरा परिवार भी वैष्णव परिवार रहा है, तो संस्कारगत राम से, भारत संस्कृति से, सभ्यता से जुड़ा रहा है परिवार। और मेरा लालन पालन बचपन से, छात्र जीवन से और गृहस्थ जीवन में जब आया तो संघ और संघ परिवार से जुड़ा रहा, तो वहाँ भी माहौल मिला मुझे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का। और भारतीय संस्कृति का प्राण राम है, तो जो संस्कृति से अनुराग रखने वाले हैं राम से अनुराग तो होगा ही, और इसलिए राम से अनुराग मुझे बचपन से ही है। काफी बड़ी जिम्मेदारी है, तो इसको कैसे पूरे करेंगे? सब ईश्वर की कृपा है। मैं नहीं जानता था कि करोड़ों लोगों में मेरा भी नाम आ जाएगा, तो उन्हीं की कृपा है, वही पूरा करेंगे, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। तो ये थे हमारे साथ कामेश्वर चौपाल जी, जिनका साफ कहना था कि माया मोह से दूर होकर मैं पूरी तरीके से इस ट्रस्ट में लग जाऊंगा और काफी खुश भी हैं कि ट्रस्टी बने।